तो अब मैं क्या करूंगा आगे, अब मैं ये करूंगा कि अब इनमें से मैंने जाहिर है चारों के ऊपर तो नहीं लिख सकता, क्योंकि एक एक कोई चीज आइडिया को लेना है मैंने, और उस आइडिया के ऊपर मैंने अपनी स्टोरी को बिल्ड करना है, स्टीप लर्निंग कर्व टाइटल लेके या वो थीम लेके। अब मुझे लगता है मतलब वेरी मच, मैंने आपको अभी सारी बातें बता दी कि मुझे क्यों मतलब इन चारों के ऊपर मैं कहानी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशन है चारों के हवाले से। तो मुझे क्या क्या यानी मैं उसको अब कहानी में, जाहिर है अब कहानी जब करूँगा तो उसमें ऐसी डिटेल्स डालूंगा जो असल में तो नहीं हुई, लेकिन या जो असल में हुई उनके साथ कुछ ज़ेबे दास्तान कुछ काम कुछ बढ़ा के पेश करूंगा, और उसको एक फिक्शनल टच दूंगा, उसे फर्जियत दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो जाहिर है अपना रोल प्ले करेंगे उसमें। सो इट लुक्स एज दो आई कुड हैव अ स्टोरी अबाउट एनी ऑफ दीज, मैं इनमें से किसी को भी ले सकता हूँ। सो माई फर्स्ट जॉब इज टू चूज वन, लेकिन काम यही है कि इनमें से एक चूज करना है। ग्लैंसिंग बैक ओवर दीज आइडियाज इन स्टेप वन, आई सी दैट देयर सीम टू बी मोर आइडियाज अबाउट लर्निंग फ्रेंड देन द अदर एरियाज। अब मैंने मुझे जब पहला मैंने वो बिल्कुल लिस्ट बनाई थी ओरिजिनल लिस्ट, तो उसमें मुझे याद पड़ता है कि जब फ्रेंच की बात मैंने की कि जब मैंने तो उसमें वो जो बबल्स थे ना, आपको याद होगा हमने जब क्लस्टर में बबल्स बनाए थे कि जब एक आइडिया फिर उसके नीचे छोटा आइडिया फिर उसके नीचे, यानी तो उसमें जो लर्निंग फ्रेंच वाला पोर्शन था उसमें ज्यादा चीजें थी, तो मुझे लगा कि उस वक्त इनिशली मेरे पास ज्यादा बातें तो वो मैं, और जरूरी नहीं है कि मैं उस ठीक पे जाऊँ, अगर कोई नए भी आ सकते, लेकिन मुझे लगा यही कि वो बेहतर है। तो मोर आइडियाज अबाउट लर्निंग फ्रेंच देन द अदर एरियाज एंड माई मेमरीज अबाउट इट आर क्वाइट विविड, और चूंकि मुझे वो रिसेंट हुआ है ये काम, और वो क्लास का एनवायरनमेंट, वो यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें, तो माई मेमरीज अबाउट आर विविड, वो क्लियर हैं, इसलिए मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। फॉर द मोमेंट मैंने लिखा है इस अभी फिलहाल आई डिसाइड दैट माई स्टोरी इज गोइंग टू बी अबाउट लर्निंग फ्रेंच, मैंने फैसला कर लिया फिलहाल, यानी ये चेंज भी हो सकता है अगर मुझे जब मैं लिखना स्टार्ट करूँगा और मुझे लगे कि यार नहीं ये मज़ा नहीं कर रहा, तो मैं जो बाकी तीन आइडियाज पड़े हैं मेरे पास या उनके अलावा भी, लेकिन वो जो मैंने उनकी आखिर में उन्हें छान लाई है उनमें से भी कोई हो सकता है। इफ दिस आइडिया डज नॉट वर्क एज आई गो अलॉन्ग आई कैन ऑलवेज कम बैक टू वन ऑफ द अदर्स, मैं अगर नहीं होता तो मैं कोई दूसरे पे लिखना शुरू कर दूंगा। अब जो हमने आपको कल हमने बात की थी इंडेक्स या कार्ड्स या चिट्स, तो ये एक मैंने जो तस्वीर ऐड की है इसमें ये एक तरीका है कि आप इस तरह से यानी आउटलाइनिंग करने के लिए इस तरह के कार्ड्स पे जो आपकी लिस्ट से आइडियाज थे अलग अलग करें कि लिस्ट से मेरे पास दो तीन आइडियाज कौन से आए, जब मैंने क्लस्टरिंग की थी तो कौन से आए थे, फ्री राइटिंग करके वो जो आपके पास पड़ा हुआ है ना पहले पेज पे, जिस पहले पेज पे आपने उस वक्त लिखा था वहां से वो आप इस तरह करके नीट करके आप अपने कार्ड्स पे वो चीजें या इस तरह की इंडेक्स करना, वो आप उनको इस तरह लिखना शुरू कर दें कि फ्रॉम द लिस्ट दो तीन जो कार्ड्स हैं उनके जो ऊपर लिखे हैं आपने तीन दो तीन आइडियाज वहाँ पे, फिर फ्रॉम द क्लस्टर तीन चार आइडियाज, देन फ्रॉम रिसर्चिंग तीन चार दो तीन जितने आइडियाज थे, तो इस तरह के कार्ड्स 15-20 कार्ड्स आपके पास बन जाएंगे, यानी 15-20 आइडियाज उनके ऊपर लिखे होंगे। ये एक उसका इस तरह से आप तरीका करें। आप फ्रॉम द लिस्ट ये मैंने फिर उनको लिस्ट में थे जो आए वो लिख लिया, यानी इनको आप कार्ड्स पे भी लिख सकते हैं, चिट पे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और फिर वो ऐसे में जिस तरह आप लाइन लगा के और एक आगे लिखते हैं उस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, प्रेफरेबल ये है कि आप कार्ड्स पे या स्टिकी नोट्स वगैरह पे लिखें। तो फ्रॉम द लिस्ट उस वक्त पहली बात, ये बिल्कुल वो है जो इनिशली वो मेरा आइडिया आया था सेइंग फ्रेंच वर्ड्स, कि जब उनको अदा करना होता था तो क्या होता था वो याद है मुझे, एम्बेरसिंग लर्निंग ऑफ, यानी उसको प्रनाउंस करना हो और फिर जब लोग टीचर कहता कि सुनाएं तो अजीबो गरीब तरीके से उसको, अब जैसे देखें नाम हमारे नहीं आते लोगों को जुबानों के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपका एक राइटर है टेड ह्यूज इंग्लिश लिटरेचर में एक राइटर है बड़ा मशहूर, सिल्विया प्लैथ का हस्बैंड, तो हम मास्टर्स में थे तो हमारे साथ एक लड़की थी, तो उसने जाहिर उसने अपने अंदाज से जब पहली दफ़ा सर ने पूछा क्लास में कि हमने कौन कौन से राइटर पढ़ लिए हैं,
उसने कहा सर हमने टेड हगीज नहीं पढ़ा। अब टेड हगीज उसका नाम बेसिकली टेड यूज है, लेकिन वो नाम को उस तरह प्रनाउंस क्योंकि वो कोई ख़ास किस्म की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, ख़ास डायलैक्ट से, तो उसको प्रनाउंस आप अंग्रेज़ी की तरह नहीं कर सकते। इसी तरह फ्रेंच में ड जो साउंड है, ठीक है, डिसेफ, ठीक है, वो मिस्टर के तौर पे तो उसको लोग डा पढ़ देते हैं, किसी का नाम लिखा हो डा सैफ तो उसको अजीब व गरीब अंदाज से प्रनाउंस कर देंगे। तो ये और ख़ास करके जो काउंटिंग थी हमारी, वो काउंटिंग हम क्या ना क्या बोल देते थे उसमें, तो वो बड़ा एम्बेरसिंग भी था क्लास नाइन पर। फिर बाय हार्ट, ठीक है, कि यार ज़ुबानी उसको जुमले किसी दूसरी ज़ुबान में याद करना सीखना, और ये भी फीलिंग कभी कभी आती थी कि यार सिर्फ मैं डम हूँ, बाकियों को तो आ रहा है। आपको भी ये फीलिंग आती होगी इंग्लिश बोलते हुए, या कि यार ये वकील साहब बोल लेते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता, इसका मतलब है मैं डम हूँ, और फीलिंग ये एक अजीबो गरीब किस्म की, मुझे कुछ नहीं आता, और इनसिक्योरिटी की फीलिंग ये हर उस वक्त इंसान के अंदर आती है जब उसको लगता है कि दूसरे तो सही परफॉर्म कर रहे हैं, एक वही पीछे रह रहा है। तो ये यानी बेसिक आइडियाज उस लिस्ट से मेरे पास ये आइडियाज आए थे। अब फिर इसी तरह मैंने क्लस्टर डायग्राम से अपने कार्ड्स में लिख लिया, जो मैडम थी उसको एक नाम दे दिया फर्जी, मैंने कहा ना चूंकि हमने फिक्शन करना है, तो आप जब इस तरह की बात करेंगे तो आप मिस्टर इस्माइल या मिस्टर वकील नहीं लिखेंगे, आप ए बी सी जेड कोई भी कर दें, मिस एम ट्राइंग टू लुक फ्रेंच, ठीक है, फेलिंग फ्रेंच टेस्ट, टेस्ट हुए नंबर नहीं आए, चीटिंग की कोशिश की कि यार चलो नकल शक्ल कर लें, ये आप फिक्शनलाइज कर रहा हूँ ये चीटिंग को, कि आप ये मैंने आपको कहा ना कि ज़ेब दास्तान भी बीच में शामिल करनी होती है आपने कहानी के अंदर, ज़ाहिर है सारी के सारी अगर आप एक्चुअल इंसिडेंट नरेट कर देंगे तो वो कहानी नहीं रहेगी फिर, तो उसमें आपने कोई मसाला डालना होता है कोई चीज़ें, अच्छा चीटिंग होती तो क्या होता, चीटिंग हुई तो क्या हुआ, और ये उनके मशहूर एक राइम है फ्रेरे, उसको जब आपको कहा गया कि गाएं तो किस, ये आइडियाज है मुख्तलिफ, ठीक है, क्लस्टर डायग्राम से रिसर्च से ये पता चला जो कुछ वो एक्सप्लोर करने से जो इन्फॉर्मेशन आई उसको भी अपने पास लिख लिया। फिर फ्री राइटिंग जो उनके बेसिक लाइके और साबके जिनको हम कहते हैं, वो ला और ला का प्रॉब्लम जो बड़ा मसला था वहाँ पे, जिस तरह अरबी में हमें बड़ा मसला होता है काफ और क्याफ का मसला, ठीक है, या इस तरह के जो प्रोनंसिएशन के मसाइल हैं किसी भी ज़ुबान के अंदर, मुखरिज से करना है फलाना करना है, तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें मुख्तलिफ आइडियाज़, अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ अपनी वाली को, तो ये फ्री राइटिंग से जो कुछ मेरे पास ये वो है जो सारा कुछ मेरे पास पहले पेज पर पड़ा हुआ था, अब मैंने उसको अलहदा अलहदा कर लिया कि अच्छा, और उसको सीक्वेंस से कर लिया कि मेरे पास ये सीक्वेंस बन रहा है लिस्ट से, ये सीक्वेंस बन रहा है क्लस्टर डायग्रामिंग वाले आइडियाज से, ये जो मुझे समझ आई फ्री राइटिंग से, और ये चौथा जो हमारा रिसर्चिंग वाला पार्ट था। जब हमने ये कर लिया, अब हमने इन कार्ड्स को यानी इन आइडियाज़ को, इन चिट्ठों को या इन स्टिकी नोट्स को सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करने के लिए हम फिर सोचेंगे कि अच्छा किस तरह से, द नेक्स्ट थिंग इज टू सॉर्ट द कार्ड्स इन द थ्री बेसिक कैटेगरीज, बिगनिंग वाले कार्ड्स, मिडिल वाले कार्ड्स और एंडिंग वाले कार्ड्स, यानी बिगनिंग वाले आइडियाज इनमें से कौन से हैं, इनमें से किन को हम मिडिल में डाल सकते हैं और कौन सी बातें एंड वाली हैं। तो एनी कार्ड और आइडिया that belongs at the beginning will help set the scene. अब मैं देखूंगा कि इनमें से सीन को सेट करने वाले जुमले कौन से हैं या आइडिया कौन से हैं, वो बिगनिंग वाला आइडिया होगा। इट इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर्स, डिस्क्राइब्स द सेटिंग और जनरली टेल्स द रीडर वेयर दे आर एंड व्हाट्स हैपनिंग, यानी इनमें से वो आइडिया हम सबसे पहले उठाएंगे, उसको सबसे पहले यानी जब हम अपनी आउटलाइन की तरतीब बना रहे हैं, हम देखेंगे इनमें से कौन सा ऐसा आइडिया है जो अपने कैरेक्टर्स को तारुफ करवा रहा है या सेटिंग के बारे में कुछ बता रहा है या रीडर को बता रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। और चूंकि जो लिया हमने फैसला करने का स्टोरी और लिखने का,
ये जो मेरा सीन है इज एन अन इज एन अनइंस्पायर्ड लर्नर इन अ हाई स्कूल फ्रेंड क्लास. तो हमने ये अज्यूम किया कि ये जो बंदा है जो स्टोरी लिख रहा है ये अनइंस्पायर्ड लर्नर है, यानी इसको कोई इंस्पिरेशन नहीं है, ये सीखना सिखा किसी ने बैठा दिया, जैसे आपको अंग्रेजी या कोई और जुबान बस क्लास में बैठे हैं, आप समझ भी नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज किस्म के बच्चे की जो है ये कहानी है. तो अब मैं जाहिर है कोई ऐसी ही सिचुएशन जो है वो करूँगा जो इस चीज़ को डिपेक्ट कर रही हो. सो मैं कोई एक कार्ड इनमें से उठाऊंगा जो इस तरह की सिचुएशन को ओरिएंट कर रही हो या इंगेज कर रही हो या दिखा रही हो कि एक बच्चा जो है वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है और वो अनइंस्पायर्ड है, उसको दिल नहीं है सीखने का. तो अब मैंने इसको ज़रा बिगनिंग का फैसला किया कि ज़रा बनाऊँ आउटलाइन. तो बिगनिंग में क्या क्या होगा कि saying French words, for example, कोशिश उनको अदा करने की, रिजल्ट क्या है वो सही तरह से प्रोनाउंस ना हो पाते तो लोग हंसते, आप क्लास फेलोज हंसते, दिल में याद करने की कोशिश, उनको खामोशी से पढ़ने की कोशिश, ये फिर ऐसे लगता कि जी बाकी बच्चे तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अदर किड्स ओके, मी द डमी, ये सारी वो लिस्टें हैं ठीक है अभी जिनका मैंने जिक्र किया. ये बिगनिंग अब मैं वो जो इतने टोटल आइडियाज थे उनको लैदा लैदा कर रहा हूँ. तो बिगनिंग में मुझे लगा मैंने जो लैदा की उनमें ये वाले मैंने बिगनिंग में डाल दिए ठीक है. फिर मैंने मिडल के लिए देखा कि जो इनमें से जो बिगनिंग में नहीं आते उनको मिडल में से कौन, अब मिडल होता क्या है कि अ कार्ड आइडिया दैट बिलोंग्स इन द मिडल इंट्रोड्यूसेस अ कॉम्प्लिकेशन, समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग एट दिस पॉइंट इन द स्टोरी. ये वो वक्त होता है जब कहानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू होती है. वो इंट्रोडक्शन और बुनियादी तारीफें, ये मेरे चाचे का, मामे का बेटा, इसका घर, इसके ऑंट, इसके बाल, ऐसे ये कहानी ख़त्म हो जाती है और मैं यहाँ था या मैं उस फ्रेंड स्कूल में था और मैंने क्लास में बैठा हुआ था और मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, ये चीज़ें तो ठीक हैं. अब यहाँ फिर पंगा आता है कि पंगा क्या हुआ, फिर मसला क्या हुआ, कॉम्प्लिकेशन क्या हुई ठीक है. दीज कार्ड्स सजेस्ट एन इवेंट दैट कुड हैपन, वन पर्टिकुलर इंसिडेंट और प्रॉब्लम ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब मैंने ल और ल प्रनाउंस करने की कोशिश की और या मैंने जब सिंगिंग की कोशिश की उनकी राइम्स को फ्रेडरिक जैक से तो नहीं हुआ, और फिर मैं चीटिंग मैंने फर्स अब मैं उसको चूँकि कहानी की शक्ल दे रहा हूँ तो मैंने चीटिंग की. अब मैंने जब चीटिंग की तो जिससे पूछ रहा था फॉर एग्जांपल वो वकील है या फैसल है, उसने मदद नहीं की ठीक है. यहाँ पे मैंने कैरोलाइन का नाम लिखा है या टीचर ने टीचिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करने दी. अब मैं क्या करूँगा, यानी ये सिंपल बातें जो मिडिल में ये काम सीन बन रहा है ना कि बच्चा क्लास में बैठा है उससे काम नहीं हो रहा, जैसे आप या एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम तो तब होगी कि वो नकल कर रहा होगा, वो देख रहा होगा कैसे नकल करनी है, चोरी कैसे करनी है, कत्ल कैसे करना है, यानी कहानी में कॉम्प्लिकेशन तो वहाँ पे आती है, वो प्लान करता है उसको चोरी करने की, कत्ल करने की, सारी चीज़ें वहाँ से मसला शुरू होता है और वहाँ पर फिर जो है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसकी बात आती है. एंड देन द एंड, अभी तक मेरे ध्यान में कोई एंड नहीं है कि इसका एंड जो है वो किस तरह होगा. अच्छा मिडल तक और बिगिनिंग तक तो बात है लेकिन एंड अभी तक क्लियर नहीं है कि अच्छा इसके एंड को, क्योंकि ये स्टोरी है तो इसको एंड में कैसे करूँ. अ प्रॉब्लम गेटिंग रिजॉल्व, तो ये प्रॉब्लम जो थी मैंने जो इसको अभी अज्यूम किया है या फर्ज किया है या इसको मैंने क्रिएट किया है कि ये प्रॉब्लम है कि मैं नकल कर रहा हूँ और एक जगह पे बैठा हूँ और नकल होने नहीं दी जा रही, तो क्या मैं फिर नकल करने की कोशिश करूँ, पकड़ा जाऊँ, बेइज्जत हूँ या क्या. तो अभी तक मेरे पास उसका आइडिया नहीं है या कोई और हल निकालूँ इसका, ये अभी क्लियर नहीं है ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके पास ऑलरेडी हो, अभी कुछ नहीं है. इट इज़ स्टिल एम्प्टी, माई माइंड इज़ स्टिल एम्प्टी रिगार्डिंग द एंडिंग ऑफ इट. इट विल टेक इट्स ऑन कोर्स. तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं इसको लिखूंगा और फाइनल टच की तरफ जाऊंगा तो खुद बखुद जो है वो आपको अंदाज़ा होगा कि इसको किस तरह एंड करना चाहिए, इसको किस तरह ख़त्म करना चाहिए. और कई दफ़ा लोग कहते हैं कि ड्रामा जो पॉपुलर ड्रामा होता है वो या वो उस तरह का एंडिंग करता है जो एक्सपेक्टेड हो, यानी जिस तरह से लोग चाह रहे हों कि इस ड्रामे की एंडिंग हो वो उसी तरह से उसकी एंडिंग करके लोगों के जज्बात के साथ खेलता है. लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपने राइटिंग पीस का वो कहते हैं कि ये अपना कोर्स खुद लेगा, वो अपनी एंडिंग जस्टिफाइड हो ही तब सकती है कि वो आप ऐसे लगे कि वो आपकी
जो थ्रू आउट आपने स्टोरी प्रेजेंट की है उसके साथ वो इंसाफ कर देगी। तो ये देखते हैं कि इसका क्या एंड होता है। इसके अलावा क्या स्टेप्स हो सकते हैं, यानी जब आप आउटलाइन बना लेते हैं ये सारा कुछ अब आपने करना है। अभी भी अगर आपने काम नहीं शुरू किया तो ये मैं आपको बता दूं, इस असाइनमेंट के ऊपर अगर आपने ज़रा भी डंडी मारी तो आप लोगों की खैर नहीं होगी। ये मैं ज़ीरो दे दूंगा आपको उस असाइनमेंट में। और बाकी तीन तीन असाइनमेंट्स लोग कह रहे हैं, ये एक असाइनमेंट इसकी होगी और एक ऐसे कि हम दो असाइनमेंट्स ही करेंगे और ये दो असाइनमेंट्स आपकी हर चीज़ को कवर कर लेंगे अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह करिए। तो ये याद रखिए, जब आप असाइनमेंट बनाएंगे इसके अलावा क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ या जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करेंगे। ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। तो इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगला स्टेप, ये सारी चीज़ें आपने बना ली, आउटलाइन है ये ऊपर ने ड्रॉ कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप कुड बी रिफाइनिंग द आउटलाइन, उस आउटलाइन को और रिफाइन। अच्छा यार ये वाला निकाल देता हूँ, ये बात जो भी मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर की है, फ्रॉम द लिस्ट, फ्रॉम द क्लस्टर डायग्राम, फ्रॉम रिसर्चिंग, फ्रॉम फ्री राइटिंग, फिर उनको मैंने एक तरतीब से कर दिया है कि बिगनिंग वाले आइडियाज अलहदा कर लिए हैं, मिडल वाले अलहदा कर लिए हैं। तो अब फिर देखूंगा कि यार ये मिडल वाले में कोई बात अभी काम है, वजन नहीं है, मिडल में कोई दो चार चीज़ें और डालनी चाहिए, या इंट्रोडक्शन या जो बिगनिंग वाला है वो कच्चा है, वो उस वक्त जल्दी में था, अभी थोड़ा इसको सोच के मजीद बेहतर, यानी उसको रिफाइनिंग में। तो रिफाइनिंग में जब आप जाएंगे तो आप नई चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, कोशिश करें कार्ड्स को या चिट को या उन आइडियाज़ को रीअरेंज करें, आगे पीछे करें कि अच्छा ये पहले अगर हो जाए तो कैसा लगेगा, अगर ये बाद में हो जाए तो कैसा लगेगा और क्या इम्पैक्ट देगा, ये चीज़ आपने देखनी है। एडिंग टू द आउटलाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगे कि कुछ कमी पेशी है तो आप उन आउटलाइंस जो आप लोगों ने ऑलरेडी बनाई हैं उनमें कुछ नया ऐड या सब्सट्रैक्ट भी एट टाइम्स कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी जो है वो अभी अनबैलेंस है, क्लियर नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अनबैलेंस हैं। तो मैंने दो और मज़ीद आइडिया जो है वो अपनी स्टोरी में मैंने शामिल करने का फ़ैसला किया। और वो दो आइडियाज़ क्या हैं कि वो जो चीटिंग को सिर्फ मैंने नाम चीटिंग का दिया है उसको डिटेल में बयान करें कि वो डिटेल्स में क्या था, किस तरह से चीटिंग की गई, कहाँ छुपाई हुई थी, कहाँ नहीं छुपाई हुई थी, जब टीचर आता तो क्या करते, जिस तरह आप करते हैं ना कि उसको किस तरह गत्ते के नीचे छुपा लिया। तो वो अब कैरेक्टर जो है वो बोलेगा तो वो एक्सपीरियंस से बोलेगा, ठीक है। चूँकि मुझे खुद अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने बच्चों को चीटिंग करते देखा भी है और किस तरह चीटिंग करते हैं, हम एग्जामिनेशन की ड्यूटीज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर आप उसमें फिक्शनलाइज करते हैं। इस तरह से राइटर जब लिखता है तो वो कहानी के अंदर अपना जो एक्सपीरियंस है वो अपने कैरेक्टर के ज़रिए बोलता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस भी उसमें शामिल कर देता है, अपनी ऑब्जर्वेशन भी शामिल कर देता है। तो और ये चीटिंग, व्हाट चीटिंग फेल्ट लाइक, फीलिंग का आंसर कि अच्छा उस वक्त फीलिंग क्या हो रही थी आपको पता है। ये बेसिकली आउटलाइन ये आप कर सकते हैं, यानी ये आपका आउटलाइनिंग वाला जो पोर्शन है ये तीसरा पोर्शन मुकम्मल होता है आपकी कहानी। ये तीन देखें, छः पार्ट हमने कहे तो यानी ये तीन बेसिकली, तो ये 50% काम हुआ, लेकिन ये 50% नहीं है, ये तकरीबन 80% काम हो जाता है जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि यहाँ तक पहुँचना जो है वो असल प्रॉब्लम है, आइडियाज़ को जनरेट करना, फिर उनको सेलेक्ट करना, फिर उनको छानना और फिर उनको आगे जो है वो पहुंचाना। तो ये वो फिर आप आगे, इसके बाद सिर्फ यही रह जाता है कि ये जितनी आउटलाइन, आप मेरे लिए यहाँ से आगे कोई मसला नहीं है, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने बिगनिंग मिडिल रख लिया, एक एंड है वो भी लिखेंगे जब तो आ जाएगा। तो इसके ऊपर सिर्फ उसको मैंने आगे पीछे करना है, लंबी लंबी छोड़नी है, इमेजिनेशन यूज़ करनी है, खूबसूरत लफ्ज एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं, आयरनी सटायर तंज मजाक करना है और एक कहानी बन जाएगी। तो ये इस तरह से अब आप मुझे आप बताएं कि ये तीन जब चीज़ें, तो अब आपको क्लियर हुआ है कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है, और अब आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपनी स्टोरी भी इसी तरह से एक अच्छे अंदाज से लिख लेंगे और ये इसी प्रोसेस को यानी आउटलाइन तक आपको वो चीज़ें क्लियर हो गई। यस सर यानी जनरली ओवरऑल इतनी मिसालें, इतना हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है,
तो फिल्म को या कहानी को या लिखना तो बात की बात है, उसको देखने का जाविया या आपको बनती कैसे है या कोई भी राइटिंग कैसे तरतीब दी जाती है आपको अंदाजा तो हुआ होगा इससे। जी वन बाय वन आपको कमेंट करने की और क्वेश्चन करने की इजाजत है। ये हाफ वी आर हाफ वे थ्रू, ये आधा काम जो राइटिंग असाइनमेंट इसकी है, क्योंकि एसे वाले की भी प्रोसेस यही है, तरीका सारा यही होगा, उसमें सिर्फ डिटेल्स डिफरेंट डाल देंगे आप। ये राइटिंग का पैटर्न उसका भी यही है कि आप अपने इसी तरह से ब्रेनस्टॉर्म करना है, इसी तरह से आउटलाइनिंग करनी है, सारा कुछ करना है, तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो वही हैं, रेसिपी जो है और इंग्रेडिएंट्स, ये दो चीजें होती हैं, उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, इंग्रेडिएंट्स यही हैं। जी मिस्टर फैसल आपको बात समझ आई है? यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। तो मैं एक्सपेक्ट करूं एक शानदार स्टोरी आपकी तरफ से। जी सर कर ले। मायूस तो नहीं करेंगे? नहीं इंशाल्लाह सर नहीं करेंगे। ठीक है, कोई नकल शकल तो नहीं मारेंगे? नहीं सर नकल जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। दैट्स वेरी गुड। ये सारा कुछ आपके पास मौजूद है, बस इस ये गाइड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, आप इनको अपनी गाइडलाइंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, इनको सामने रखते हुए अपना एक क्रिएटिव काम करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी अच्छी होगी, व्हाट मैटर्स इज के हाउ जेन्युइन इट इज एंड हाउ वेल फॉर्म्ड इट इज, यानी ये जो फॉर्म है वो स्ट्रक्चर कितना उसका बेहतर है, उसमें कोहेरेंस और कोहेजन कितनी है, बस ये चीजें अहम होंगी। जो कहानी की असल है ना, यानी बस जो उसको मयार, अभी हम उसके राइटिंग के अंदर यानी थीम या वो चीज़ें, या हम सिर्फ ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरली वो एक कहानी है या नहीं है, बस ये चीज़ हमने उसको देखना है। अच्छा जी, और हमारे साथ हैं मिस्टर आफाक अहमद खान। मिस्टर आफाक हाउ आर यू डूइंग? आफाक, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, आई थिंक आफाक इज नॉट हियरिंग मी। वकील, आर यू हियरिंग मी? यस सर। सो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरी? शैल वी एक्सपेक्ट अ फाइन स्टोरी फ्रॉम यू? सर आई विल ट्राई माई बेस्ट। That's great. And I am very much sure that you will come up with something brilliant. Okay, Aisha is there. Aisha, am I audible to you? आफाक, आयशा, अब्दुल समी, जोएब, इनमें से कोई भी मेरी बात, मेजोरिटी पीपल मेरा ख्याल है वो जी सर सर आई वांट टू नो अबाउट द असाइनमेंट्स। एक्चुअली मुझे यही नहीं पता कि कौन सी असाइनमेंट्स आपने दी। द वन वाज इज इट आफाक हु इज देयर? नो आई एम वराब। वराब वराब, ओके। वराब मसला ये है कि आप लोग वही काम करते हैं कि जब आप लॉग इन होने के बाद बात नहीं सुनते ना, जो दिखाया जाता है वो देखते हैं। नो सर आई वाज सिटिंग ओवर हियर एक्चुअली जस्ट आई आई वांट टू नो इफ एक तो वो थी लर्निंग कर्व पे ऐसे लिखना था, तो द सेकंड वन वो आपने कब दी है? इमेजिनेटिव राइटिंग, स्टीप लर्निंग कर्व की जो इमेजिनेटिव राइटिंग का पार्ट है वो स्टोरी है उस पे, और ऐसे बाद में लिखेंगे। अभी हमने उसी को लेके अभी जो बातें मैं कर रहा था, वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग
मैं अपनी तरफ से मैंने कहा था कि हम सब लिखेंगे, मैं अपनी लिखूंगा इसी टॉपिक के ऊपर आपके साथ यहाँ, ताकि मैं लिख के दिखाऊंगा कि इसको कैसे लिखना है, और आप लोग अपनी अपनी उसी से लिखेंगे उन्हीं आइडियाज़ को। तो ये सारी आउटलाइनिंग ये जो हम कर रहे थे, हमने जो यानी सैम्पल जो हमने लिया, ये तो जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये तो आई यानी हर स्टोरी के लिए वैलिड है, लेकिन जो सैम्पल हमने लिया है, उसको जो एग्जाम्पल ली है, वो हमने स्टीप लर्निंग कर्व का आइडिया लिया है, और फिर उसके ऊपर ये जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये एक सैम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है कि मैं अगर ये आइडिया लूँगा तो मैं उसको किस तरह से उसके आइडियाज़ को किस तरह जनरेट करूँगा इस टॉपिक के ऊपर, मैं उनको चूज़ या सेलेक्ट कैसे करूँगा, और फिर उनके ऊपर आउटलाइंस कैसे बनाऊँगा। तो एक दिन बैठ के अगर सिर्फ आप लेक्चर वन से लेके आज ATB का ये छठे ही प्रेजेंटेशन है, आप वन से लेके सिक्स तक अगर आप इनको प्रेजेंटेशन गो थ्रू कर लेंगे तो भी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और अगर आप रिकॉर्डिंग सुनना चाहें, वकील हर दिन अपलोड कर देते हैं, आप उन रिकॉर्डिंग्स को सुन लें। हर एक लेक्चर में मैं ये बात को दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ। सो स्टीप लर्निंग कर्व के ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखनी है। ये सारा आपका बैकग्राउंड का काम है। आइडिया जनरेशन आप मेरे साथ तो नहीं शेयर करेंगे, आप अपनी चूजिंग मेरे साथ तो नहीं शेयर करेंगे, ये तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। या आप अपनी इवन आउटलाइंस जो हैं वो मेरे साथ तो नहीं शेयर करेंगे, ऐसे कि आउटलाइंस कही जाती हैं कि शेयर करें, स्टोरी की भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ तो असल क्या आप शेयर करेंगे, आपका जो ड्राफ्ट होगा लिखा हुआ स्टोरी, उसके पीछे जितना का काम होगा वो तो आपने अपना काम करना है, इन सारी चीज़ों को देख के यानी आपने प्लान करना है। अब राइटर ने उससे पीछे क्या किया हुआ होता है, आपको उससे कोई गर्ज नहीं होती, आपको उसकी किताब से गर्ज होती है, जो शुरू हो जाती है, आप हाथ उठाते हैं वो किताब, किताब हाथ में उठाते हैं, पहला चैप्टर खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब उसने उस पहले चैप्टर को जो है वो लिखने के लिए आइडियाज़ कैसे जनरेट किए, ठीक है, उसने किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसने क्लस्टरिंग डायग्रामिंग की या नहीं की, उसने चूज़ कौन कौन से आइडियाज़ में से ये वाला आइडिया किया, उसने आउटलाइंस कैसे बनाई, ये ज़ाहिर है वो आपका मसला नहीं होता। तो इसी तरह आपने मुझे स्टोरी असाइनमेंट की तौर पर लिख के देनी है, लेकिन उसको लिखने से पहले ये सारा का सारा बैकग्राउंड आपको बनाना पड़ेगा, तब आप अच्छी स्टोरी लिखेंगे। अगर आप सीधी बैठे हैं और लिखना शुरू कर देंगे तो उसमें मसाइल होंगे, आप थोड़ी देर के बाद यू विल फील लॉस्ट और क्लियर नहीं होगा। और चूंकि मैंने आपको कहा था कि ये आप लिखना सीख रहे हैं, ये एक वक्त के लिए नहीं, हमेशा के लिए आप लिखना सीख रहे हैं। अल्लाह करेगा कि आप में से बहुत सारे लोग, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई, आपका हाथ चलना शुरू हो गया, तो आप में से बहुत सारे लोग अच्छे राइटर्स बन सकते हैं, अफसाने लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हैं, किसी भी ज़ुबान में लिख सकते हैं, उर्दू अंग्रेज़ी में, क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गया तो आप किसी दूसरी ज़ुबान में भी ये स्ट्रक्चर अप्लाई करके वो लिख सकते हैं। और क्रिएटिव लिखना जो है, आप लोगों को पता है कि एक स्टोरी तो बहुत बड़ी बात है, एक लाइन, एक जुमला या एक पैराग्राफ खुद से आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने लिखा होगा। आपकी फेसबुक पे वो जो स्टेटसेस लग गए होते हैं वो भी कॉपीड होते हैं, आपकी अपनी बात बहुत कम होता है कि वो आपकी अपनी बात हो। वो जब आपसे वो उसने पूछते हैं ना हु आर यू, वो जो आपका बायो स्टेटस होता है, तो उसमें भी 90% लोगों ने किसी न किसी की बात लिखी होती है। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्रिएटिव बात, अपनी बात, एक छोटा सा जुमला भी कहना बड़ा मुश्किल काम है। तो आपकी अपनी एक कहानी होगी, कोई कल आपसे पूछेगा तो आप ये कह सकते हैं कि मैं शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मैं तो ये दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग और दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ पैटी। ये बहुत बड़ी बात होगी कि आप अपनी अगर कहानी लिखने में कामयाब हो जाएंगे। आई होप कि यू आर क्लियर नाउ मिस्टर वराव। Still, I think you didn't get me. I was along with you from the first day till now, and all the lectures are too clear to me. Even yesterday, I have gone to a photocopier and I have printed that all in a hard copy. But the question was actually what it was, that the story should revolve. The story should revolve around what, कोई specific topic पता लग जाए अगर, या किसी बारे में भी लिखना शुरू कर दी, ये मैं पूछना चाहता था आपसे बस। मैंने अभी भी यही बात की है, स्टीप लर्निंग कर्व इज द टॉपिक, स्टीप लर्निंग कर्व
इज द टॉपिक. और आज का जो लेक्चर है उसमें भी मैंने यही कहा है कि मैंने जब स्टीप लर्निंग कर्व के टॉपिक को अपने जहन में रख के ब्रेनस्टॉर्म किया, लिस्ट बनाई, तो उसमें से मुझे चार अपनी लर्निंग की जो एक्सपीरियंसेस थे वो याद आए, उनके बारे में आया कि उनमें मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से मैं उसमें से किसी एक को उठा के स्टोरी लिख सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि स्टीप लर्निंग कर्व किस तरह से इम्प्लाय जो है वो वहाँ पे इम्प्लाय हो रहा था. तो ये टॉपिक है, इसी टॉपिक के गिर्द आपकी कहानी घूमनी चाहिए. Does it make sense, Farah? Sir, still like I want to ask के आपने learning के बारे में लिखना है या अपनी learning के हमने कैसे learning की या learning क्या है, ये नहीं समझ आ रही. मतलब अपने experiences लिखने हैं कि हमने learning कैसे की, कहाँ कहाँ से की. देखिए, steep learning curve आपका title है, ठीक है. इसके इसके बारे ये जो टाइटल है ना, इससे रिलेटेड स्टोरी लिखनी है. वो स्टोरी भी आपका अपना एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस हो. इससे जब आप आउटलाइनिंग आप इमेजिन करेंगे तो आपके जहन में आता क्या है, आप किसी कैरेक्टर को देखते हैं कि स्टीप लर्निंग जो है, लर्निंग इज़ अ स्टीप कर्व. बेसिकली ये है कि लर्निंग इज़ अ स्टीप कर्व. तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या लर्निंग वाकई स्टीप कर्व है. आप जब आइडियाज़ इसके बारे में कि जब आप सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि अच्छा तो ये स्टीप है या फ्लैट है, ठीक है, ये कर्व जो लर्निंग की है ये फ्लैट कैसे होती है, ठीक है. और जब आप लर्निंग करने जा रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या स्टीप थिंग्स जो हैं वो आपके सामने आती हैं और आप इस तरह उनको कन्फ्रंट करते हैं. उसमें कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हैं और वो कैरेक्टर इस सिचुएशन से गुजरे, ठीक है, उसको आप इस सिचुएशन में डालें, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, और उसके अंदर आप उसको एक्सप्लेन करें. ये कल भी वकील ने अच्छे अंदाज में बताया था. मेरा ख्याल है वकील दोबारा अगर आप उसको शेयर करें कि आप जब स्टीप लर्निंग कर्व को एज अ टाइटल ले रहे हैं तो आपके समझ में क्या आ रही है बात और आप किस तरह अपनी कहानी फ्रेम करेंगे. वराब को समझाऊं सर पर्सनली या अभी यहाँ पे? जी वराब को ही एड्रेस करना है आपने, लेकिन सारों के सामने एड्रेस कर. मैंने कुछ लिखा है वो फिर मैं इसको पीसेस भेज देता हूँ राइटिंग के व्हाट्सएप पर. जी जरूर आप उसको भेजिएगा, अब इसकी बात सुन लेंगे. टाइटल जो सर ने दिया है वो स्टीप लर्निंग कर्व, मतलब हमें लिमिटेड कर दिया कि इसी बारे में लिखना है. अभी जितने भी आइडियाज़ हमारे पास होंगे वो सारे लर्निंग और स्टीप लर्निंग के बारे में जो कहानी बनेगी उसका सारा जो सारा थीम है वो इसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए. उस कहानी में अगर कोई किरदार है जिसको कोई मिसाल के तौर पर पढ़ने में कोई मसला आ रहा है या स्टीप लर्निंग उससे हो रही है या वो समझ नहीं पा रहा, तो सारी जो कहानी है वो सारी इसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए. वकील एक मिनट आपको रोकूंगा. आपने इस टाइटल के बारे में रिसर्च की, स्टीप लर्निंग कर्व के बारे में आपने इसको एक्सप्लोर किया कि इस टर्म का मतलब क्या है? सॉरी सर, सर क्वेश्चन सारा क्लियर नहीं हो सुना मैं. मैंने ये पूछा कि आपने आप समझा रहे हैं, माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं. अब आपने इसके ऊपर काम करना है, आप ऑलरेडी भी आप कह रहे हैं आपने काम करना शुरू किया हुआ है. तो ये जो टर्म है स्टीप लर्निंग कर्व जो मैंने टाइटल दिया है, जो वर्ड है, ये आपको क्या, इसको आपने रिसर्च किया है, इसको देखा है, इसको एक्सप्लोर किया है, यानी इसका मतलब आपको क्या समझ आता है? यहाँ तक सर मुझे समझ आया है कि वो स्टीप लर्निंग कर के लर्निंग बेसिकली एक सीखना मुश्किल काम है,
तो लिखना, ये लिखना कह रहा हूँ, सीखना मुश्किल काम है, तो उसके आसपास जो उससे रिलेटेड आइडियाज़ है वो मुझे मालूम है कि किस तरह मैंने इसके ऊपर कहानी बनानी है, कि लड़ना क्यों मुश्किल है, या जो मेरा कैरेक्टर को जो भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा वो कि किस तरह स्ट्रीप लर्निंग को कि उसकी ज़िंदगी में आती है, और फिर वो कैसे इस स्ट्रीप लर्निंग से अपने आप को गुजारता है, और फिर वो कामयाब हो जाता है और उसके लिए लर्निंग आसान हो जाती है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कैरेक्टर कामयाब ही हो, यस सर, यानी स्टीप को आसान ही कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कहानी को ट्रेडिशनल नहीं बनाना ज़रूरी नहीं है। मजॉरिटी ऑफ द टाइम थीमेटिकली या मॉरली आप कहते हैं किस तरह होता है या ठीक है। कई दफ़ा आपको पता है बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं। डीएस में एडमिशन आपके साथ लोगों ने लिया होगा, बट दे फेल्ट कि इट वाज स्टीप, इट वाज अ स्टीप टास्क एंड दे लेफ्ट इट एंड दे हैड टू लीव। तो ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी आप देखेंगे, जैसे हम डायलॉग लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं, तो मैंने कई दफ़ा क्लास में बच्चों को कहा कि सिगरेट नोशी पे जो दो लोग अगर डायलॉग कर रहे हैं तो दो लोग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि आखिर में ये करवाया जाए कि जो सिगरेट नहीं पीता वो सिगरेट पीने वाले को कायल कर ले कि तुमने नहीं पीना। ये एक मॉरली या वो लगता है ना आपको, लेकिन बहुत दफ़ा तो इसके बरक्स भी तो हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी तो है कि जो नहीं पीने वाला उसको पीने वाला कायल कर ले। वो एक मज़ाक में, एक मैं उनको सुनाता होता हूँ कि वो आपने सुना होगा लतीफ़ा टाइप थिंग, के वो एक शख्स जो है वो सिगरेट पी रहा है और वो एक ब्रांड न्यू गाड़ी के पास जो है वो खड़ा है। तो एक खातून उसे कहती है कि आपने कितने अरसे से आप सिगरेट पी रहे हैं, तो वो कहा कहता है कि 25, 26 या 28 साल हो गए हैं और ये मैं एक दो पैकेट्स जो है वो डेली पीता हूँ। तो वो कहती हैं कि अच्छा, आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप इतने पैसे जो है वो सेव करते तो ये गाड़ी जिसके साथ आप खड़े हैं ये आपकी होती। तो वो उसमें वो जो पंच लाइन या जुमला आगे से, वो कहते हैं कि जी मोहतरमा ये मेरी ही है। तो यानी बात ये है कि ये कोई मॉरली या डायडेक्टिकली ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कैरेक्टर को इस सिचुएशन से गुजारें और फिर उससे कामयाबी की सनद दे दें। बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छी, हमारे यहाँ तो बनती नहीं है, हम तो इतने फजूल लोग हैं, इंडियंस अक्सर फिल्में बना रहे हैं। मैंने उस दिन आपको रफ बुक का कहा था वो देखिए, मैंने आपको हिचकी का कहा था वो देखिए, आपने सुपर 30 अगर नहीं देखी वो देखिए, ठीक है। तो ये वो फिल्म है जिनमें उन्होंने एजुकेशन को और उसके सिस्टम को, लेकिन एंड में वो मसला उसका आर्टिस्टिकली ये है कि वो भी वही करते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम है, कि वो अचानक से वो बच्चे जो कहीं नहीं थे और उन्होंने टेस्ट दिया और वो ऊपर चले गए। तो ये ज़रूरी नहीं है, आपने पॉइंट करना होता है। ये अच्छा है कि अगर आप अपनी सिचुएशन मतलब क्लियर है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने अपने कैरेक्टर को इस सिचुएशन से गुजार के आपने उसको जो है ना वो तमगा दे देना है या आपने उसको कामयाब करा देना है। सर, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए, ये मैंने डरने सरप्राइज के रखा हुआ है कि जी आखिर जी मेरा कैसा आपने होगा। मैंने उस सिर्फ ये कहा कि इस चीज में बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% इसी तरह होगा। कि ये जरूरी नहीं है कि इसकी एंडिंग जो है, एंडिंग है ना ये, तो आप एंडिंग आपने बता दी, और मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि एंडिंग जो है वो इसी तरह से हो, कोई और भी चीज हो सकती है। तो वराब आई होप कि आपको थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, जो वकील ने बात की बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने एक्सप्लेन किया। यस स्टीप लर्निंग का एक शख्स की, एक कैरेक्टर की जिंदगी में आना, एक कैरेक्टर हो सकता है, दो कैरेक्टर हो सकते हैं, कोई मुल्क कोई कौम भी हो सकती है, कोई मुआशरा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कैरेक्टर से मुराद कोई एक बंदा नहीं होता सर, वो कोई सिचुएशन है। उस वो स्टीप लर्निंग कैसे आती है, उस स्टीप लर्निंग के क्या क्या फिर, यानी वो इंट्रोडक्शन होगा और फिर इंट्रोडक्शन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन का फेज है उसमें जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो स्टीप लर्निंग के नतीजे में जब वो कैरेक्टर या वो मुल्क या वो बाशिंदा, यानी वो कोई भी हो सकता है, उसको जब वो चैलेंज फेस आया, वो और प्रॉब्लम उससे निकल सके, प्रॉब्लम क्या हुई और उस हाथ हाथ खा प्रॉब्लम को सके उसने एक रिस्पॉन्ड पैसे। कैसे किया, उसके इर्द गिर्द के लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था, ठीक है, और उसमें क्या क्या कन्फ्यूजन्स, क्या क्या प्रेशर्स, स्टोरी जो है वो कहाँ इंगेज हुई, और फिर उसको रिजॉल्व या रेजोल्यूशन उसका क्या हुआ, उसका हल क्या हुआ।
ये सारे का सारा आपका स्ट्रक्चर बनेगा। सर हम लव स्टोरी लिख सकते हैं? उमर फारूक क्या कह रहे हैं, हम लव स्टोरी लिख सकते हैं? यस सर यही पूछ रहा हूँ। तो आप लर्निंग टू लव कर लेना, मोहब्बत करना भी जो सीखना पड़ता है, तो आप इस पे लिखें मोहब्बत। यानी आप ये लिखें कि जब आपने मोहब्बत करना सीखी तो उसमें वो स्टीप था या फ्लैट था, उसमें क्या क्या जो है वो मामलात हुए, उसको आप इसके साथ बिल्कुल लिंक कर सकते हैं। कोई ममनू नहीं है, मोहब्बत के बारे में लिखें। ऑलराइट सर ओके जी। एनीवन एल्स?